रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। पहली तस्वीर में पुतिन विमान में बैठकर खिड़की से किम जोंग उन की तरफ एक इशारा करते हैं, तो दूसरी तस्वीर में पुतिन किम जोंग उन के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभी अनजाने में हुआ है या जानबूझकर, लेकिन पुतिन ने भारत को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। पुतिन ने वीडियो का बदला वीडियो से लिया है। अमेरिका ने एक वीडियो दिखाकर भारत को धमकी देने की कोशिश की, तो पुतिन ने दो वीडियो दिखाकर अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए। ये पूरा खेल क्या है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत को धमकी देने के लिए एक वीडियो जारी की। अमेरिका ने कहा कि उसके हाथ वो आदमी लग गया है जो भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर खालिस्तानी पन्नू को मारना चाहता था। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी के दोस्त पुतिन ने अमेरिका की अकड़ ढीली कर दी। सबसे पहले तो पुतिन ने विमान में बैठकर किम जोंग उन को इशारा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जमकर हथियार बनाओ और कुछ हथियार हमें भी दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, अमेरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुतिन ने यहाँ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया है जैसे भारत को डराने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके बाद पुतिन ने जो दूसरी तस्वीर जारी की उसने तो भारत को खुश कर दिया। पुतिन ने जानबूझकर कार चलाते हुए एक वीडियो जारी किया और साथ में किम जोंग उन को भी बैठा लिया। पुतिन पूरे रास्ते खुद गाड़ी चलाते रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब इसलिए किया गया है कि कुछ ही घंटों पहले बाइडन की एक तस्वीर आई थी। उस तस्वीर में देखा गया कि बाइडन इतने कमजोर हो गए हैं कि वो खुद गाड़ी के अंदर तक बैठ नहीं पा रहे। बाइडन के लिए गाड़ी में घुसना तक मुश्किल हो गया। पुतिन ने संदेश दिया कि वो शान से गाड़ी चलाते हैं और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानने वाले बाइडन कमांडो का सहारा लेकर भी गाड़ी में घुस नहीं पाए। कूटनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। अमेरिका एक तस्वीर दिखाकर भारत को धमका रहा था, तो रूस ने दो तस्वीरें दिखाकर अमेरिका को रगड़ दिया।